बजरंगी चल उठ। अबे उठना, उठ रहे बजरंगी। कैसा है भाई, तू कब आकर सो गया? सुबह 4 बजे आया था, दरवाजा खुला था तो आ गया, सोचा तेरी नींद खराब नहीं करूंगा। ये हड्डी पहलवान, ये पहलवान रात को पी के सो जाता है, वो भी दरवाजा खुला छोड़ के चोर आ जाता तो? तू अचानक यहाँ कैसे? मेरे गांव जौनपुर में लफड़ा हो गया था। कैसा लफड़ा? अरे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बेटा कितना बड़ा ठरकी है। क्या किया इसने? इसने क्या किया है, चलो चल के खुद ही देख लो। चल आ तू, चल देखो अपने बेटे की करतूत क्या किया है इसने। अबे उल्टी सीधी कहानी मत सुना। ये देख। माँ कसम यकीन नहीं होता, तूने कैसे किया, कितने पैसे खर्च हुए? पूरे 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए? उतने में तो कोई धंधा कर लेता। धंधा किस लिए? अरे अलार्म बजा, लेट हो गया तो मेरा बैंड बजेगा। ए निकल, ए अबे बाहर निकल जल्दी यार, मेरे जाने के टाइम पे तू क्यों चला जाता है? उसका रिश्तेदार है? दोस्त हूँ। हाँ लेकिन शक्ल से तो तू बिल्कुल उसके जैसा ही लगता है। कच्चा बनियान गैंग के गुंडों की पुलिस ने इतनी पिटाई कर दी कि ह्यूमन राइट्स वाले अब उसे जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। जिस नकली डॉक्टर की दवा से लोगों की दस्त रुक जाती थी वो जेल से बाहर आ गया, और उसकी दवा से ठीक हुए मरीजों ने जेल के बाहर उसका स्वागत किया। जौनपुर में बवाल, बजरंगी नाम के एक नव युवक ने फेमस हीरोइन का मंदिर बनवाया। वेरी गुड। अरे अच्छा तू मुंबई में क्या करेगा? तफरी करूंगा। हाँ बिल्कुल सही बोला, जो तफरी करने आते हैं वो यहाँ पर राज करते हैं, और प्लान बनाने वाले खाली हाथ जाते हैं। तेरी तो लाइफ सेट है। यार निखिल तू वापस कब आएगा? रात को आऊंगा, तब बात करेंगे ठीक है। ए नंगे इसका ध्यान रखना। हाँ चल बाय। पहलवान भाई क्या मुझे भी मिलेगी क्या? वेलकम टू मुंबई। ए शंभू मुझसे शादी करेगा क्या? मुझसे अच्छी लड़की तुझे मिलेगी क्या? मेरा भेजा मत खा, आइसक्रीम खा। छोड़ मुझे।
कमाल क्या जानू। भाई टाइम क्या हुआ है? छुट्टा नहीं है। हाँ? तुझे क्या मैं भिखारी दिखाई दे रहा हूँ? तो क्या उनका सरदार है? मेरा मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है मेरा। रुक, पागल है क्या? रुक तू, ए, ए, गाड़ी रोक, ए, बाहर निकल, बाहर निकल। मैं कहता हूँ गाड़ी रोक, छुट्टा मैं तुझे देता हूँ भिखारी, गाड़ी रोक। बोला मैंने मुझे प्यार करो। क्या करूं? मैंने कहा मुझे प्यार करो। प्यार व्यार का टाइम नहीं है, सीधा फोर्थ गियर में जाते हैं ना, मजा आएगा। मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गई। अगर तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं अपनी नस काट लूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, फर्स्ट गियर से शुरू करते हैं, फर्स्ट गियर से, धीरे धीरे। नहीं मुझे मार जाने दो। तुम काम क्या करते हो? मैं अलार्म लगाकर ड्रिंक करने के लिए उठा और ये पूछकर पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे लगा कि नाइट शिफ्ट में काम करते होगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्या सब काम करिए जरूरी है? आदमी को उतना काम करना चाहिए जितने में उसकी दारू आ जाए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अरे ऐसा नहीं है। हाँ तो कैसा है बताओ ना। जिसे देखो वो काम 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 की बात करता है, सुकून से पीने भी नहीं देते हैं। मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? तो प्यार से तुम्हारी पप्पी लूं? डेली पेपर पढ़ते हो क्या? रोज एक जैसी न्यूज तो छपती है, पढ़ने का क्या फायदा? इसलिए तुम खुश हो? रोज पेपर पढ़ोगे पागल हो जाओगे, सब लगे पड़े हैं। कोई किसी के मजे ले रहा है तो किसी की बेटी बुढ़ी के साथ भाग गई, कोई बाइक चोरी कर रहा है तो कोई देश कोई लूट कर भाग गया। हीरोइन बाबा की गोद में सोई है और बाबा आराम से घंटा बजा रहा है। इस हीरोइन का किसी हीरो से चक्कर है और वो किसी दूसरी हीरोइन के चक्कर में है जो किसी डायरेक्टर के साथ पहले से सेट है। अब ये सब पढ़कर लड़के अगर क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो क्या इंजीनियर बनेंगे? और अगर दोनों भी नहीं बन पाए तो सुसाइड करेंगे। स्कूल कॉलेज में फेल हुए तो सुसाइड, नौकरी नहीं मिली तो सुसाइड करेंगे, अच्छी नहीं मिली तो सुसाइड करेंगे। और तो और, किसी के यहाँ 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी है और किसी को 10,000 के लिए सुसाइड करना पड़ता है। ये सब तो होता रहता है। आजकल लोग बहुत परेशान हैं। कभी कभी तो सास बहू को जलाती है तो बहू सास को घर से निकालती है, भाई अपने भाई को चाकू मार के खून कर देता है, तो कोई आशिक अपनी माशूका पर एसिड फेंकता है। और ये सब पढ़ने के बाद जब तुम वापस फर्स्ट पेज पर आते हो तो उस पर क्या दिखाई देता है जानते हो? मुंबई का टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच गया। ऐसे में आदमी काम कैसे करेगा बताओ? तुम 5-स्टार होटल में काम करते हो ना? किसने बताया तुम्हें? निखिल ने बताया कि तुम 5-स्टार होटल में गाड़ियों को पार्क करने का काम करते हो। अरे बोलना चाहिए था ना, तुम ये जानते हो। अपनी ज्ञान की बातें तुम पर बर्बाद नहीं करता। बर्बाद नहीं हुई, सुनकर अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अरे मैं जोक सुना रहा हूँ क्या? अच्छा सुनो ना, जब तुम काम पर जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलना ना। मैं कभी 5-स्टार होटल नहीं गया हूँ। जैगवार कार के बारे में सुना है तुमने? इस कार में हमेशा कोई ड्राइवर होता है जानते हो, इसलिए इसे पार्क करने की खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। लेकिन फिर वो दिन आ गया जो मैं कभी भूल नहीं सकता। एक व्हाइट कलर की जैगवार कार होटल के अंदर आकर खड़ी हो गई और कमाल की बात तो ये थी कि उसे खुद उसका मालिक चला रहा था। उसने कार पार्क करने के लिए चाबी मुझे दी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। मैंने धीरे से कार का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सपना हो। ओए होए, मैंने उसकी स्टीयरिंग को प्यार से सहलाया और कार स्टार्ट की। ओए होए, ये सपना नहीं हकीकत है, मैं जैगवार ड्राइव कर रहा हूँ। मैं उसे इतने प्यार से चलाते हुए पार्किंग में ले जा रहा था जैसे गर्लफ्रेंड को बेडरूम में ले जाते हैं। कार में बिल्कुल आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। मैंने बड़े प्यार से उसे पार्क किया। तभी मेरे दिमाग में एक बात आ गई, ये मौका तो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, तो अपनी ड्रीम कार एक बार चलाकर देख लेते हैं।
फिर तुमने क्या किया? मैं अपनी ड्रीम कार को लेके निकल गया। निकल गया मतलब? मतलब होटल से बाहर निकला, लेकिन बस जैसे ही थोड़ी सी दूरी पर चला गया तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मतलब नौकरी गई? अरे और क्या, नहीं तो क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? सॉरी यार, मेरे खानदान में किसी को कार धोने का मौका नहीं मिला और मैंने ऐसी गाड़ी चलाकर अपने खानदान का नाम रोशन किया। अपने बारे में सोचा ही नहीं, चाहे नौकरी रहे या ना रहे। तुम्हारे जज्बे को सलाम करता। अरे जब कोई फेमस हीरोइन का मंदिर बना सकता है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे आ गया तू। क्या हो गया, आज बहुत जल्दी घर पे आ गया क्या? यार शाम के 7 बज गए तो जल्दी कैसे हुआ? ये रात को 11 बजे से पहले आता नहीं है। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? अरे ये क्या हो गया? अरे कुछ बताया यार। जानते हो अगर मैंने केस फाइल किया तो तुम्हारा क्या होगा? कितने दिनों तक तुम जेल में रहोगे? तुम पढ़े लिखे लड़के हो, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कोई जंगली की तरह बिहेव करता है। तुम जैसे लड़कों को कॉर्पोरेट में नौकरी ज्वाइन करने से पहले लड़कियों को हैंडल करने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तुम जैसे लोगों को नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए। हर चीज की ट्रेनिंग देने का ठेका हमारी कंपनी ने नहीं लिया है। लड़की देखते ही लाट टपकने लगती है। तुम जैसे लड़कों को चार जूते। अबे शकरकंद के बोरे, तुझे मैनेजर किसने बना दिया? जूते मार मार के पूरा टकला कर दूंगा। क्या बोला, तेरी नौकरी छूट गई? अरे अरे मारा मारे कौन कर रहा है? मेरे दोस्त को मारो। दोस्त को मार दे तू, उसको क्यों मारा तूने? मारा मारे ना कहने का, अब छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़। अरे आराम से बैठ के बात करते हैं ना, बंद करिए बचपना। दारू के लिए तो पैसे है ना? फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। मुझे गुस्सा मत दिला। अरे बस करो, अब भी झगड़ा कर रहे हो क्या यार? अबे जब इसकी नौकरी गई थी ना तब मैंने कुछ नहीं बोला था, अब मेरी नौकरी गई तो इसको खुजली क्यों हो रही है? जब मेरी नौकरी गई तब तू काम कर रहा था, लेकिन अब दोनों खाली हो गए। अब दारू के पैसे, घर का किराया, सिगरेट, रोटी, दाल कौन चलाएगा? ऊपर से हमारे सर पर एक और बोझ आ गया है। मुझे बोझ मत कहना, समझे? चुप गेंडा कहीं का, इतनी दारू पीता है बोलता है बोझ नहीं है। जिंदगी झंड है, हर बार कोई काम करता हूँ तो जूते ही खाता हूँ, ऐसा क्यों? पता नहीं क्या वजह है लेकिन तू हर बार जूते क्यों खाता है? ऐसा लगता है प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है। तुझे ऐसा लगता है क्या? सोचने की कोशिश तो की लेकिन समझ में नहीं आता प्रॉब्लम कहाँ है। थोड़ा दिमाग पर जोर डाल शालू, ये अपन के करियर का सवाल है। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए शंभू, सोचने से ब्रेन हैमरेज होता है। चल छोड़, तू किसी काम की नहीं है। हाँ तूने सही कहा, तू तो होम मिनिस्टर है ना। उसके पास छुट्टे नहीं है। छुट्टा नहीं है? ए, छुट्टे की बात किसने की? छोड़ूंगा नहीं मैं। आराम से। ए भाई, छुट्टे की जगह चखना दे दिया। ए, अगर किसी के मुंह से छुट्टा शब्द निकला तो मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या इतनी सी बात पर दिमाग खराब कर रहा है? पिछले हफ्ते मुझे एक लड़की ने अंकल बोल दिया था, तो क्या मैंने अपनी जान दे दी क्या? वो एक नंबर की येड़ी है। छुट्टा मिल गया। बाप रे, ये तो वही भिखारी है। चलो भाग चलते हैं, वरना जान से मार देगा। जीएसटी भरा है बोतल तोड़ने के लिए। खुद को हीरो समझ रहे क्या? मेरे दोस्त को कैसे हाथ लगाया तूने? क्या शोर मचा रखा तुम लोगों ने? आराम से बैठ के दारू नहीं पीने दोगे क्या? चुप हो जाओ नहीं तो मुंह तोड़ूंगा तुम्हारा। हमारे एरिया में आकर हमें चुप रहने के लिए कह रहा है? जबान खींच लेंगे तेरी। छोड़ेंगे नहीं इसे। तेरी तो क्या
क्या है ये? हे मामू लोग, हमेशा देर से आता है, जल्दी कैसे आ गए? अरे कहाँ जा रहे हो? डंडे पड़ेंगे। आजा आजा आजा, बैठ जाओ गाड़ी में। चल चल बैठ बैठ। आजा आजा आजा, बैठ जाओ चल। सर थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुम लोगों को। अरे छोड़ो ना सर, एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत है। बॉस प्लीज जल्दी निकलिए, 10 मिनट में वाइन शॉप बंद हो जाएगी। बॉस काफी देर से पूछना चाहता था, ये घर आपका ही है? तूने तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, समझ नहीं आता जवाब क्या दूं। सर कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो। क्या आपका कोई बिजनेस है? मेरा स्मगलिंग का बिजनेस था, सैंड शूज लैपटॉप्स। तो चुप रहे, स्मगलिंग भी कोई बिजनेस है? जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना जानू, हर अरे गहरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो क्या है ना कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते करते आदमी बोर हो जाता है। अबे इनके सामने ऐसे बकने की क्या जरूरत है? मुझे सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, लगाओ कान के नीचे, बोल। बॉस बनने की कोशिश मत कर। सर किससे बात कर रहे हो आप? तू एक नंबर का गधा है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। अब अगर तू बोली ना यही पर जिंदा कर दूंगा। तू आए दिन इतने जूते खाता है फिर भी तेरा दिमाग नहीं चलता? भेजेगा कोरमा बना दिया। सर हाँ? आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं? सॉरी इस लड़की के बारे में बताया नहीं ना, दिख नहीं रही है। वैसे इसका शालू नाम है और इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। एक तरह से ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके सामने मैं दिल खोल कर बात करता हूँ। मेरी किस्मत फूटी थी जो तेरे साथ फंस गई। डरो मत दोस्तों, शालू बहुत प्यारी लड़की है। वो पेंटिंग देख रहे हो, वही शालू है। वाह ये तो फूलझड़ी है। सर आपका दिमाग खराब है, आपको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। पागल कहा, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ए शालू शांत हो जा, शांत हो जा। पहले तू जाकर अपने दिमाग का इलाज करा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। वो क्या है ना, तूने डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा ना इसलिए सटक गई। बहुत इमोशनल है रे बाबा। तभी तो तेरे जैसे येड़े के साथ फंस गया। वैसे मैं उस डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे दवा भी दी थी, खाया भी था, लेकिन शालू के बिना लाइफ बोरिंग है इसलिए दवा को किक मार दिया। आई लाइक हर वेरी मच। और ये बीमारी लगती कैसे? मुझे भी चाहिए हो तो क्या करूं? ये ढीले चुप कर, मैं अब चलता हूं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इसने मुझे बताया कि तेरी नौकरी छूट गई है। छोड़ना, इनसे क्या छुपाना है। तुम तीनों वेल्ले के वेल्ले हो। अबे ये क्या कर रहा है, चुप रहे। कोई काम करना चाहोगे क्या? नहीं नहीं सर, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। और तुम दोनों? बिना काम के सब मिल रहा है तो काम करने की क्या जरूरत? या आपके पास भी इस समय कोई काम नहीं है सर? काम के बारे में बोलूंगा तो बोलोगे कि मैं पागल। अरे सर ये तो पागलों का ही जमाना है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम लोगों से ये बात शेयर करूं। मैं लोगों को किडनैप करता हूं, बोले तो अपहरण। सामने देखो आप उनका रिकॉर्ड। सर
ये सब किडनैप किए हुए लोग हैं। अच्छा अच्छा, किडनैपिंग पर किया गया मेरा रिसर्च है। अखबार में हर खबर नहीं छपती, आपने गलती की, उन्होंने छापा। सर हमें देर हो रही है, चल अब निकलते हैं, बहुत पी लिया, चल चलना, चल निकलते हैं। क्या हो गया, तुम लोग डर गए क्या? नहीं नहीं सर, जाना पड़ेगा, ये चलना। ए! तुम लोगों को दारू पिलाई ना, अब खाना भी पड़ेगा। ए, तेरे को ऐसा खाता हुआ देखकर लोग उल्टी करेंगे। बिल मंगवाऊं क्या? हाँ सर, अपना हो गया। तुम लोग कार में बैठो, मैं बिल क्लियर करके आता हूँ। बाप रे, कितने दिनों बाद मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ। अरे यार वो कहाँ टक गया? हम ये कार लेके निकल चलें क्या? अबे चुप रहना। छोड़ो मुझे। चुपचाप अंदर चल। अरे चिल्ला क्यों रही है? अरे अरे ये सब क्या है? सर 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 क्या कर रहे हो आप? ज़्यादा चिल्लाते नहीं। फ़ोन बंद कर, पीछे पुलिस आ रही है। उसका मुंह क्यों बंद कर रहा है? गाड़ी चला। पुलिस पीछे। पीछे पुलिस आ रही है। गाड़ी भगा। अबे आखिर ये सब हो क्या रहा है? बॉस ये सब क्या है? तू गाड़ी साइड पे लगाना, भाग जा, ये सब छोड़ कर। अरे मेरा जानू मुश्किल में हो रहा है और तुझे भागने की पड़ी है। अरे येड़ी तेरी बात ये लोग नहीं सुन पाएंगे। अरे दिमाग खराब हो रहा है यार, दिमाग ही नहीं चलता, बकवास बंद कर। राइट 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 ले राइट ले राइट। अरे तुम लोग थोड़ी देर शांत रहो प्लीज। अरे जा बोल रहा, ले चल ना। डर के मारे कहीं गाड़ी लेना चाहिए। झगड़ा कर, सब लोग चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। इसलिए इसका फोन ले। चल अपना फोन दे, फोन दे। ए हाथ छोड़ इसका, चल फोन निकाल 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 निकाल, फोन निकाल। अब इसके बाप से बात कर। बाप का नाम क्या है? ए कपड़ा निकालना। डैड से नाम सेव किया है। बोल। मैं नहीं चलाऊंगी, इस रुमाल से बदबू आ रही है। ए तुम लोग कोई भी घबराने का नहीं है, अपन बात करता है। हेलो सर, आपकी बेटी को किडनैप किया है। पापा, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है और कहीं ले जा रहे हैं। दिव्या दिव्या, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत। हम आपकी बेटी को टच भी नहीं करेंगे, हम आपकी बेटी को टच भी नहीं करेंगे। पुलिस के पास मत जाइएगा, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है। हाँ। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। देखो मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। मैंने आपसे कहा ना हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप भी कोई बेवकूफी मत करना। बेटा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तो एक साधारण से बैंक का मैनेजर। बैंक का मैनेजर साधारण, कुछ भी। देखो बेटा मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ, स्कूटर खो जाने पर भी मैं पुलिस के पास नहीं गया था। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, आप डरिए मत, शांत रहिए। भगा भगाना, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, सांस लीजिए, अटैक आ सकता है, नहीं तो शांत हो जाइए अब। अब ठीक है ना? ठीक है। आप बताइए आपकी सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी पूछ। बेटा आपके हर महीने का पगार कितना है? 45,000 रुपए। मतलब अकाउंट में 45,000 है? हाँ बेटा। अभी तो महीने की 10 तारीख ही हुई है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अगर मैं ये पैसे ले लूँ तो आपका खर्चा चल जाएगा? क्या? चला लूंगा बेटा। ठीक है तो फिर फटाफट एटीएम जाइए, पैसे निकाल कर इंतजार कीजिए, मैं आपको 10 मिनट में मिलूंगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। अरे हम उसे लॉलीपॉप खिलाएंगे, आप जल्दी से पैसे निकालिए ना, अपने पापा से बोलो घबराने का नहीं। पापा घबराइए मत, मुझसे काम लीजिए। ठीक है सर, तो लंबी सांस लीजिए और एटीएम जाइए। हेलो सर, कैश तैयार है? हाँ हाँ तैयार है बेटा, बिल्कुल तैयार है। मुझे कहाँ आना होगा? नमस्ते सर। हाँ? वो कैश देना जरा, ठीक से गिन लो बेटा। कोई बात नहीं, आपकी बेटी नीचे खड़ी है, ठीक है? ठीक है। जय हिंद।
ये लो, शॉपिंग कर लेना। ये लो तुम्हारा हिस्सा। ओ पहलवान, ये लो, और ये तुम्हारा, बाकी बचा मेरा। बॉस, ये सब कहां सीखा? ये 5 पॉइंट फॉलो करो, किडनैपिंग बच्चों का खेल लगेगा। पहला रूल, पावरफुल लोगों से दूरी रहने का। अगर तुमने अमीर बच्चे को किडनैप किया तो तुम खतरे में पड़ सकते हो, फिर बिना मतलब की टेंशन। सेकेंड रूल, जान से मारने जैसी कोई भी धमकी मत दो, क्योंकि लोगों ने इस तरह की काफी फिल्में देखी होती हैं और ऐसी धमकी से उन लोगों को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। थर्ड रूल, ज्यादा लालच नहीं, इतने पैसे मांगो कि वो आसानी से दे सके, वरना वो पुलिस के पास जाएगा और हम बिना वजह मुश्किल में फंस जाएंगे। रूल नंबर 4, किसी हथियार का इस्तेमाल मत करो। ज्यादातर किडनैपर्स हथियार की वजह से ही पुलिस की गोलियों का शिकार बनते हैं। और रूल नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर प्लान नाकामयाब हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो बिना सोचे पुलिस को सरेंडर कर दो, वरना हीरो से जीरो बन जाओगे। ए, भाई, किडनैपिंग की स्पेलिंग भी आती है क्या? ए, चले। मतलब तू कुछ नहीं समझा? अभी अभी शुरू ही हुआ है। नहीं, अब कुछ नहीं बचा। इन 5 रूल्स के अलावा और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बॉस, अगला काम कब बजाएंगे? ए झिंगर, दांत तोड़ दूंगा तेरे। चल चल, जाते जाते सुन लो। चल, अगर कल सुबह 6 बजे तक आ जाते हो तो मेरी टीम में स्वागत है, वरना इस मीटिंग को भूल जाना। चलना। जानू, आखिर तू इन गधों के ऊपर भरोसा कैसे कर सकता है? चल जल्दी। ए, वापस चलते हैं। ए, तेरा दिमाग खराब है क्या? चलना, चल। ए, हमारे पास नौकरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किडनैपिंग करें, कोई ढंग का काम ढूंढ लेंगे। समझा क्या? अरे कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, वड़ा पाव का ठेला लगा लेंगे, थोड़ी कामयाबी तो मिल जाएगी, है ना? वैसे भी मैं कांदा भजी अच्छी बना लेता हूँ, वही बेचेंगे, समझ गए ना? ओके, ठीक है। अरे जगह यही है ना? यही जगह है। ए, ये कैसा मुंह बनाकर बैठा है? तुझे किडनैप किया है, कुछ तो रिएक्शन दे, कहीं तेरा बाप कोई खतरनाक आदमी तो नहीं? अरे बोलना, डरा मत। जानू, ये बच्चा तो बड़ा क्यूट और गोलू मोलू है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, इसे गोद ले लें क्या? क्या खाओगे गोलू, चॉकलेट, आइसक्रीम, लॉलीपॉप? मैं बोर फील कर रहा हूँ, मुझे डोरेमोन देखना है। अरे इसे हमने किडनैप किया है और ये बोर फील कर रहा है। पापा, पापा का फोन है। हेलो सर जी। हाँ, हम आपकी बताई जगह पर पहुंच गए हैं। कहाँ हैं आप? हाँ आइए, मैं यहीं हूँ। बस देखते जाओ, तुम लोग जल्दी ही जेल के अंदर सड़ोगे। क्यों बे? तेरा बाप कोई जेलर है क्या? मेरे पापा जेलर नहीं है, लेकिन मैं बड़ा होकर जेलर बनूंगा। जेलर बनेगा तू कान के नीचे। पता नहीं इसका बाप इसे कैसे झेलता होगा। आजा।
सीधा जा, लेफ्ट में आइसक्रीम की दुकान है। ये ले, खा लेना। नो थैंक्स। आपकी किस्मत आपके हाथ में होती है, ये बात मुझे अब समझ में आ रही है। टाइम अच्छा चल रहा है, जितना हो सके कमा लो। ये तो सिर्फ ट्रेलर है बेटा। यहाँ आने से पहले तुम्हें और भी कई कंपनियों में रिजेक्ट किया गया है। जी सर। क्योंकि तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ब्लैकलिस्ट? हाँ, तुम्हें कंपनी के साथ लीगली डील करना होगा, वरना तुम्हें नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन है। सॉरी। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? तू भी हमारी तरह बस आराम कर। ए, तू चुप रह। सुनना, तू अपनी कंपनी पे केस कर, जो होगा देखा जाएगा। सुन जानू, अब ये भी अपनी टीम में आने वाला है। मुझे भी टीम में शामिल कर लो। आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है। ये काम तू नहीं कर पाएगा। आंख बंद करके भरोसा करना होगा और दिमाग को कौवे की तरह तेज करना होगा। क्या एग्जांपल दिया है जानू। मुंह बंद कर। ओए चला जा, तुझसे नहीं होगा। अबे हट बे, दिक्कत नहीं चलता। मैं इन दोनों झिंगुरों से ज्यादा स्मार्ट हूं, दिमाग ज्यादा चलता है मेरा। ए बोलना। हाँ तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन ये करना क्यों चाहता है? हमारी कमाई अभी तो शुरू हुई है, थोड़ा सा इंतजार कर ले, तब तक दूसरी नौकरी मिल जाएगी। बॉस, अपनी सीधी सी बात होती है, कोई भी काम करने से पहले हजार बार सोचता हूँ और फैसला लेने के बाद पीछे नहीं हटता। ये किसका फोन बज रहा है? रिंगटोन सुनी भी लगती है। बॉस आपका बज रहा है। तू कितना बड़ा डफर है यार। उस बच्चे का फोन तो मेरे पास ही रह गया। बॉस उठाओगे या काटोगे? जहाँ छोड़ा था वही मिलना, कचरे के डिब्बे में फोन मिल जाएगा। सर प्लीज फोन मत रखिएगा। सुनिए सुनिए, मैंने फोन के लिए कॉल नहीं किया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कॉल ट्रेस कर रहा है क्या? अगर आप मुझसे कहते तब भी मैं पुलिस के पास नहीं जाता, मैं सच कह रहा हूँ। सर हेलो, हेलो सर, सर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपके किडनैप करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जिस तरह से आप डील करते हो वो कमाल है। पॉइंट टू पॉइंट बोलना। ओके सर, मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक काम कर दें। सॉरी, हम बाहरी लोगों के लिए काम नहीं करते। चला फोन रख, क्या समझा? कोई बात नहीं सर, कम से कम डील तो सुन लीजिए। मेरी ऑफर सुनने के बाद आपको अच्छा ना लगे तो आप मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको 50,000 दूंगा, और अगर आपने मेरा काम किया तो पूरे 2 करोड़ दूंगा। जरा सोचिए। हम लोग तो उससे नहीं मिल सकते, तू हम लोग से मिलने आ। अरे ये पट्टी क्यों मांग रहे हो? क्या भाई, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अच्छा, शादी के लिए लड़की चाहिए? अरे शादी की उम्र तो तेरी है। मैं तो किडनैपिंग से थोड़ा माल कमा लूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। भाई दहेज कम भी मिले तो चलेगा, लेकिन लड़की एकदम टकाटक होनी चाहिए, साथ में चले तो जोड़ी अच्छी लगे। तू बता तेरा क्या प्लान है, करेगा या नहीं करेगा? हाथ पीछे बांधने के लिए बोला था ना? मैंने तो पीछे ही बांधे थे। हाँ वो तो दिख ही रहा है। ए, मैं इंदु पे नहीं मारने का। हाथ पीछे ही तो बांधे थे। क्या हम पहुंच गए? हाँ पहुंच गए, पहुंच गए। जिस आदमी ने मुझसे फोन पर बात की थी। हाँ बोल, तेरे सामने हूँ। हेलो सर, मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तूने कहा था हमसे मिलने पर 50,000 देगा। हाँ हाँ मैं लाया हूँ। हाँ परेशान मत हो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम भरोसेमंद यादव। भरोसेमंद यादव? जी हाँ, यही मेरा नाम है। हाँ तो यादव जी, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं चाहता हूँ आप किसी को किडनैप करें, वैसे ही जैसे मेरे बेटे को किया था। काय को? सच बताऊं तो मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ, उसकी वजह से मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ, पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उठाना किसे? मिनिस्टर साहब सदानंद भोसले के बेटे को।
पहला रूल, पावरफुल लोगों से दूरी रहने का। सॉरी सर, आप ये नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? 2 करोड़ का मामला है। कुछ नहीं मालूम तो बोल मत। क्या मालूम नहीं है? चिंदी चोरी वाली किडनैपिंग करेंगे तो बेल के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। ए, जरा कम बोल। अरे हमको वही कर रहा है जो कर रहे हैं, समझा करो यार। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिले तो चूहे बिल्ली वाला खेल छोड़ देंगे ना यार। ए, सर आप ये नहीं कर सकता। ए, पहलवान जा इन्हें छोड़ कर। सर अरे क्या करा, क्या करा, ऐसा मत कर। अबे तुम लोगों के अंदर किडनैपिंग मैनर है कि नहीं? चला छोड़ उसको। अब तो इसने सबके थोबड़े देख लिए हैं, तो बेहतर है कि इसकी बात मान लो। कोई जरूरत नहीं है। ए पहलवान, अगर इसे पता ही नहीं है कि ये कहाँ है तो आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दहीसर चेकनाके से राइट लेने के बाद बोरीवली से लेफ्ट लिया, फिर एसवी रोड से लेफ्ट लिया, और फिर चामुंडा सर्कल से दूसरा राइट मारा, उसके बाद सीधा चलकर पहला राइट मारा, और उसके बाद तीसरा लेफ्ट मार के 2 सिग्नल के बाद फिर से राइट मारा। उस गली में चौथी बिल्डिंग, यही पता है ना आप लोगों का? बॉस, इसके पास तीसरी आंख है। तीसरी आंख से ही तो देख पाएगा ना। सुनाई नहीं देता, जा बैठ। सर प्लीज, सर प्लीज मेरा काम कर दीजिए। सर मैं सारी जिंदगी आपका एहसान मंद रहूंगा। देखिए मैं यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। चलिए चलिए, प्लीज प्लीज। भाड़ में गया ये मास्क। प्लीज सर, देखिए किसी को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। उसने हमें घूस लेने के लिए बुलाया और पुलिस में पकड़वा दिया। सर मानता हूँ आपका काम गलत है, लेकिन उसमें भी उसूल है। उनका काम भले ही सही हो पर वो धोखेबाज है। उन्होंने हमें धोखा दिया है, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज सर, आपके अलावा और कहां जाऊंगा मैं? अब अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। अब तो अपनी हीरोगिरी का जलवा दिखाई दो। कोशिश करके देखते हैं। अपने पास रूल नंबर 5 तो है ही, फंसे तो सरेंडर कर देंगे। जब भी डाउट में होता हूं तो फैसला ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं। मैं इस सिक्के से टॉस करूंगा, अगर हेड आया तो आगे बढ़ेंगे, वरना इस मीटिंग के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है? हाँ। ए बजरंगी, टेबल लेकर आ। हेड्स, बता 2 करोड़ में तेरा हिस्सा कितना होगा? मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए सर, आप सारे पैसे रख लीजिए। मुझे उस धोखेबाज आदमी को सबक सिखाना है, बस इतना ही। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चिन्मय भोसले। माँ क्या हुआ, भूख लगी है? मैं सोच रहा हूँ सिगरेट पीना छोड़ देता हूँ। माँ मैंने कहा था ना इसकी 7:30 उतरने वाली है। ऐसा नहीं है माँ, बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, वो अच्छा नहीं लगता ना। तू सच कह रहा है बेटा? कैसा बिजनेस? वो तो डिपेंड करता है ना कि पापा पैसे कितने देंगे। 5 लाख रुपए देंगे तो पान की दुकान ही खुल पाएगी, शोरूम थोड़ी ना खुलूंगा। तू सच कह रहा है बेटा, लेकिन अपने पापा से सब साफ साफ बता दे, वरना तू जानता है उन्हें झूठ से कितनी चिढ़ है। माँ मैं तो साफ साफ ही बोल रहा हूँ, इन्हीं के दिमाग में गोबर। जिंदगी में क्या करना है तुमने इसके बारे में सोचा है? नहीं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। पापा बिजनेस शुरू करना है, थोड़े पैसे चाहिए थे। पहले अपने दम पर कुछ कमा के दिखाओ, फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो। समझ गए? बाप दादा की कमाई खाते हो फिर भी कौड़ी भर की अकल नहीं। मैं पैसे मांग रहा हूँ, लेक्चर दे रहे हो। सर हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। अभी तक जिंदगी में 2 रुपए कमा नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने चला ये कथा। माँ क्या है बेटा? पापा बिजनेस के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। बेटा सुन तो। आज सुबह ये भाई दुकान पर गए, 12 चाय पी, 18 सिगरेट फूंकी, 4 समोसे खाए और उसके बाद 2 ब्रेड ऑमलेट। फिर दाना पानी बीच पर जाकर लेट गए और कुछ सोचकर समंदर में पत्थर मारने लगे। फिर चाय की दुकान पर गए, 13 सिगरेट फूंकी और वापस घर चले आए। बीच में एक जगह वाला पाव भी खाया। मंत्री का बेटा है फिर भी उसके साथ कोई बॉडीगार्ड? उसके साथ कोई बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी नहीं रहता, वो ऑटो और बस में इधर उधर भटकता है। इसे किडनैप करने के लिए प्लान की जरूरत नहीं है, चाय की टपरी से उड़ा लेंगे। क्या बात है, तो चले।
गाड़ी यही रोक दूं या बगल वाली गली में? हाँ गाड़ी यही रोक दे, जब वो ऐसे ही भटकता है तो हम उसे कहीं भी पकड़ सकते हैं। अब तो गुंडे मवाली भी फिल्म बनाने लगे। कौन है ये? विरार लोकल में जेब काटा करता था, अपने आप को डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर? हाँ, जेब काटने वाला डॉक्टर। ये तो फिल्मों का डायरेक्टर लगता है, पागल है। अच्छा बॉस, इसको जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, ले संभाल कर रख, जरूरत पड़ सकती है। ये मंत्री इस वक्त घर पर कैसे? सवाल ही पैदा नहीं होता, 9 बजे के बाद तो उसकी कार भी नहीं दिखती। ए, तूने तो कहा था कहीं भी अकेला आता जाता है। सिर्फ एक दिन उस पर नजर रखी थी। चल निकल ले, हम इसे आज नहीं उठाएंगे, किसी और दिन उठाते हैं। उसकी कार हमारे पीछे क्यों आ रही है? अबे हम उसके आगे हैं। दोनों में फर्क क्या हुआ? रहने दे, तू नहीं समझेगा। चल 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 अरे वो लोग इस तरफ गए थे क्या? शायद यहीं से गए होंगे। चलते रहे, वो देखो वो रही उनकी गाड़ी। धीरे धीरे चलते रहे। बाप रे, अब हम क्या करेंगे? अरे डर मत, मैं हूं ना। ए भाई, हमें गन नहीं मिलेगी क्या? इंस्पेक्टर की ड्रेस के साथ गन आती है, समझे? हाँ तो हमें एक एसआई का और एक इंस्पेक्टर का कॉस्ट्यूम चाहिए। बॉस इंस्पेक्टर बनेंगे और मैं एसआई, और तुम दोनों हवालदार। मैं हवालदार क्यों बनूंगा? तेरी शक्ल हवालदार वाली भी नहीं है। वैसे तुम टोटल कितने लोग हो? हम 4 लोग हैं। तो एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल की कॉस्ट्यूम, ये ठीक रहेगा। भाई 4 कपड़े के साथ 4 गन्स मिलेंगे ना? एक ही मिलेगी। ठीक है, पैसे कितने हुए? टोटल हुए 1900। वैसे ये फिल्म है या सीरियल? फिल्म है। फिल्म का नाम क्या है? नकली पुलिस। नीचे कोई नहीं है, ऊपर चलते हैं। ए, ऊपर जा। लगता है जिंदा है लेकिन अधमरा है। इसके किडनैपर्स कहाँ गए? हम आपके लिए खाने का इंतजाम करके वापस आते हैं। इसे उठाएंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। अबे काटो काटो, आगे पुलिस खड़ी है। ये कहां से आ गई पुलिस? चल चल पीछे पीछे, चल निकल यहां से, निकल निकल, घुमा जल्दी, रुक मत, चल 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 चल, निकल, भगा भगा भगा, आइला चल जल्दी बैठ, चल चल चल, चले गाड़ी निकल जल्दी, चल 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 चल, चलो चलो जल्दी। ए निखिल, अच्छा तो पहले वाली किडनैपिंग तूने ही करवाई थी है ना? हाँ, और फिरौती में कितने मांगने वाला था? मोरो,
मैं पैसे बोलता हूँ, तू अपनी मुंडी हिलाना। एक करोड़, दो करोड़, तो तीन करोड़। तूने अपने घर फोन किया? देख अब ये तेरा प्लान नहीं, आप उनका प्लान है। 50,000 वसूलने पर आपन 1,000 या फिर 2,000 का टिप देता है, पर ये मामला 2 करोड़ रुपए का है तो तुझे 2 लाख रुपया दूंगा, समझ गया? क्या हुआ, आंखें मत दिखा। नमस्कार, आप मुझे पहले अंदर जाने दीजिए, जाने दीजिए ना प्लीज। आज सिर्फ आप ही का नाम अंग्रेज, लाइए दीजिए। थैंक यू बैठ। ये आपको लगता है बिना पैसे के आप इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए ईमानदार नेता को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या आप बिना पैसे के जीत जाएंगे? नमस्कार सर, सर इस बार जो पोल में सर्वे आ रहा है सर, उसके मुताबिक जीत इस बार भी आप ही की होगी सर। हेलो, ए गाड़ी साइड में ले जाओ। क्या हुआ सर? आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा है, आपसे बात करनी है। सर किसी ने अपने चिन्मय को किडनैप कर लिया। हेलो सर, देखो टेंशन मत लो, अपन ने आपके बेटे को किडनैप किया है, लेकिन आप उनको ज्यादा नहीं चाहिए। सर गुस्से में कोई उल्टा सीधा डिसीजन मत लेना, जो कह रहा हूँ उसे अच्छी तरह सुनिए और हमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए दे दीजिए। रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस के पास मत जाना। हा? क्या हुआ जानू? उसने फोन काट दिया। तेरे बाप को फोन किया था पैसे के लिए और उसने फोन ही काट दिया। क्या एड़े कपड़ा निकालना कपड़ा। क्या बोला था? टीवी देखने को बोल रहा था मैं। चुनाव के वक्त जब पुलिस और प्रशासन का ध्यान सही ढंग से चुनाव कराने में होता है, तब कोई आपराधिक तत्व ऐसी घटिया हरकत करके अपना फायदा उठाने में लगा रहता है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए सिर्फ कानून का सहारा ही नहीं लूंगा, उनकी मांगों के सामने बिल्कुल नहीं झुकूंगा। जैसा कि आपने अभी देखा मिनिस्टर, एक बात बोलूं, इसे यहीं छोड़ते और यहां से भागते हैं और टेंशन खत्म। क्या है ये? क्या स्विम सूट क्यों पहना है तूने? हमको तो कभी नहीं दिखती। तुम मुझे टेंशन में दिख रहे थे तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा रिलैक्स कर दूं। तू रिलैक्स की बात कर रही है या मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है? मैं फोन करने वाला हूँ, जैसे ही सिग्नल दूंगा मेरी गर्दन दबाना। इस तरह दबानी है, ठीक है ना? जान मत ले लेना, बात करने देना। कैसे जरा बोल के दिखा। मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही समझ गया ना? सिक्का दे बे। इसे तो अपनी टीम में ले लेना चाहिए, बड़ा शाना है। हेलो सुन पप्पू, मम्मी को बुला जरा। हाँ भैया अभी बुलाता हूँ। हेलो बेटा। मम्मी मम्मी। चिन्मय बेटा तुम कहाँ हो? मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? एक बार मरने से पहले तेरी आवाज सुनना चाहता था। ऐसी बात मत करो बेटा, तुमने ऐसे जालिम बाप के यहाँ जन्म लिया है। कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे बाप। मम्मी अपने पति के बारे में ऐसा मत बोलो। मैं क्या करूँ? मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना वरना मत दे देना माँ। पापा बहुत ईमानदार आदमी है, मैं मर भी गया तो ऐसा कुछ मत करना माँ। ऐसा मत कहो बेटा, मुझे भूल मत जाना मम्मी। जाए चाय बोल क्या? मेरे बेटे को बचा लीजिए सर, क्योंकि उसके बाप के सीने में पत्थर का दिल है। मेरे बेटे के मरने से भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसे बचा लीजिए। मंत्री सदानंद भोसले की पत्नी ने अपने बेटे को बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर के बंगले के सामने धरना दिया। उनका साथ देने के लिए उनके साथ वहाँ बहुत सी औरतें आई थी। एक माँ की दर्द भरी पुकार को देख कर लोगों की आँखें भर आई। इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने मिनिस्टर सदानंद भोसले को बुलाया है। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। मैंने सुना है आपसे ज्यादा तो आपकी पत्नी टीवी पर छाई हुई है।
नमस्कार। आप मेरे साथ आइए, पेपर पढ़ लीजिए, सब समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है। नमस्कार सर। ओके बैठिए। हाँ हाँ अच्छा, ये दोबारा फोन करें तो मुझे मत देना। ठीक है सर, आप एक बार दिल्ली हो आइए। कभी तो अकल की बात कर लिया कर, जा अब यहां से। हाँ तो बताइए। क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी बेवकूफ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो। लेकिन उसने क्या गलत किया? तुम दो कौड़ी के भी आदमी नहीं हो, हमारी कैबिनेट में मंत्री कैसे बन गए? सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी की इमेज अच्छी होने के बजाय खराब हो रही है। अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हारी जमानत तक जब्त हो जाएगी। कहीं वो ऑपोजिशन पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रही है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या मतलब है नहीं करने दूंगा? हमेशा अच्छी इमेज बनाने की नौटंकी करता है। तुम्हारा बेटा किडनैप हुआ है, उसके बावजूद तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से 200-400 करोड़ तो इनके पास होंगे। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आज तक घूस नहीं दिए सर, और अपनी सैलरी पे ही अपना घर चलाया है। ठीक है, पार्टी फंड से 2 करोड़ निकाल कर इसे दे। ठीक है सर। तुम पैसे लेकर जाओ, और सुनो अपनी बीवी को मारना मत, वरना वो टीवी के सामने बवाल मचा देगी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, अगर उन लोगों ने किडनैपर्स को पकड़ लिया तो खराब है। क्या मतलब इसमें पुलिस को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? किडनैपर्स को पैसे दो और अपने बेटे को वापस लेकर आओ, समझ गए ना? तो जाओ फिर। नमस्कार। बहन जी कम से कम पानी तो पी लीजिए। सर आपके लिए फोन। इनके लिए तो फोन ज्यादा जरूरी है। हेलो मिनिस्टर सर, है क्या? मैं आपके बेटे का किडनैपर। हाँ मैं मिनिस्टर ही बोल रहा हूँ, बोलो। अपन आपको बताएगा कि कब और कहाँ पैसे लेकर आना, ठीक है? संडे अपन काम नहीं करता, और मंडे को जो इंस्ट्रक्शन अपन देगा उसको फॉलो करने का, बस पैसे के साथ तैयार रहना, और जैसे ही अपन का फोन आए बस लेकर निकल जाना। कोई होशियारी नहीं संतरी। और हाँ, पैसे चिन्मय की माँ लेकर आएगी। अब अपन का दूसरा अपॉइंटमेंट है। देखो तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर मेरी चुगल में आप। हेलो मिनिस्टर सदानंद बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। उस किडनैपर ने मुझसे कहा कि उसे फिरौती की रकम मंडे तक चाहिए, उसे जल्दी पकड़ो तुम लोग। आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा पुलिस के चक्कर में मत पड़िए, ले देकर मामला खत्म कीजिए। लेने देने से तुम्हारा क्या मतलब है, है? अपने बेटे को वापस लाने के लिए मैं उन्हें पैसे दे दूं, गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करूं? हा? अरे ये मैं नहीं कह रहा जीजा जी, आपके लीडर कह रहे हैं। तुम्हें उन्हें ये बताने की क्या जरूरत है? किडनैपर्स को पकड़ना तुम्हारा काम है, तुम अपनी ड्यूटी करो बस, और वो है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो, समझ गए तुम? आप मेरी बात सुनिए जीजा जी। क्या है? कितनी पैकिंग कर रखी है? सर इतने छोटे फोन में ट्रैकिंग चिप नहीं डाली जा सकती। तुम उन्हें पकड़ सकते हो या नहीं? आप इतना घबराइए मत, आराम से बैठ जाइए ना। पिछले 24 घंटों से यही बात कह रहे हो, मुझे बेवकूफ टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ ना, आप आराम से बैठिए। अगर राजनीति में ऊपर उठना है तो अपना परिवार नहीं होना चाहिए। डरो मत दीदी, 2 बाइक पर पुलिस वाले सादी वर्दी में पीछे रहेंगे, उनके साथ एक कार और एक जीप पीछे पीछे चलती रहेगी। हमने तुम्हारी कार में GPS लगा रखा है, तुम जहाँ भी होगी हमें पता चलता रहेगा, समझ गए? घबराओ मुझे मत। बहुत डर लग रहा है भैया, आपके भांजे की जिंदगी अब आपके हाथ में है। दीदी मेरी बात सुनो, जब चिन्मय तुम्हारे पास आ जाएगा उसके बाद ही पुलिस अंदर जाएगी, उससे पहले भूल जाना कि पुलिस तुम्हारे साथ है। किसका फोन है? उन्हीं लोगों का फोन है, बात करो बात करो। हेलो, आपका बेटा सही सलामत है और आपसे बात करना चाहता है। माँ मुझे बचा लो। माँ चिन्मय कैसे हो बेटा, वो लोग तुम्हें दूध पीने को देते हैं। आंटी इतना दूध पीता है कि आप भैंस ने भी दूध देना बंद कर दिया है, अपने भाई को फोन दो। ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? हेलो DIG साहब, अपनी बहन के साथ कितने पुलिस वाले को भेज रहे हैं? बात सुनो, एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, पुलिस वाला नहीं आया, समझे? सर पुलिस वाले के लिए भाई और बहन क्या चूना लगा रहा है क्या? गलत मत समझो, देखो मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। सर आप उनकी बात सुनो, अपनी सिस्टर को समझा दो कि आप उनसे बात करती रहे, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ किधर जाने का है उसको अपन फोन पर समझाते रहेगा क्या? ओके ये लो, अब तुम निकलो।
उनका फोन कट जाए तो घबराना मत, वो तुम्हें फिर से फोन करेंगे। और ड्राइवर को बता देना किधर जाना है। बिल्कुल डरना मत, चलो चलो निकलो, चलो चलो फास्ट। थोड़ी दूरी बना रखना और पीछे लगे रहना। ठीक है सर। पहुंच गई क्या? हाँ पहुंच गई। जरा दरवाजा खोलो, लाओ मुझे दो। आप सीधे ग्राउंड के अंदर चले आइए। ठीक है। आप ग्राउंड की तरफ चलिए। आप पहुंच गए क्या? हाँ। वहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? वहाँ कपड़े से ढकी कोई चीज रखी है। ठीक है, अब उसके पास जाइए। हाँ। जल्दी करो जल्दी करो, किडनैपर्स यही कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें, जल्दी करो। आप पहुंचे कि नहीं? अरे पहुंची या नहीं? हाँ पहुंच गई। क्या हो रहा है वहाँ? सर मैडम ग्राउंड के बीचों बीच खड़ी होकर किसी चीज को देख रही हैं। उस कपड़े को हटाइए और नीचे जो स्टैंड लगा है उसमें बैग रख दीजिए। स्टैंड दिख गया ना, अब बैग रखने के बाद पीछे हट जाइए। मैंने कहा पीछे हट जाइए वहां से। क्या हुआ? पैसे हवा में उड़ रहे हैं सर। क्या कहा? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहा? आया क्या? दिखाई दिया क्या? आएगा सर, वेट कीजिए। हाँ आ गया। फ्यूचर ब्राइट है। ए, ए, क्या हो रहा है ये साइंटिस्ट? लगता है वजन ज्यादा हो गया है। ए, गिरेगा, पकड़ ले। ए, खड़ा क्या है, कुछ करना। ओफो, प्लीज। क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा? ए, क्या कर रहा है तू? अरे दिन में सपने मत देख, आप उनके लोग नीचे हैं, संभाल लेंगे। तू लुंगी का जुगाड़ कर, जल्दी करो। 5 मिनट के लिए अपनी लुंगी दो ना। अरे ये लो पैसे, जल्दी करना। ले 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 ले। अरे जल्दी सीधा कर। चल 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 जल्दी। कमाल हो गया सर, हमने कर दिखाया। क्या सर, मेरे ड्रोन की वजह से अब तक पैसे पहुंचे, आप मुझे एक ही गड्डी दे रहे हो? पहले से 5 हिस्सेदार है, जा जा निकल यहां से। क्या बॉस, आप तो जरा सोचो। एक गड्डी और दे। ये ले। थैंक यू बॉस। हाँ तो बंटवारा कैसे करेंगे? क्या बोला, कैसे करेंगे? बात हुई तो थी। सही बोला, लेकिन हेलीकॉप्टर वाला प्लान मेरा था। इस प्लान के बिना छुमंतर होके पैसे मिल जाते क्या? समझा क्या? 50-50 होगा। देख भाई, बातचीत करके काम किया, ये तू ठीक नहीं कर रहा। क्या भाई, ये क्या चल रहा है? सुन, घर पहुंचने के बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसको कितना हिस्सा मिलेगा वही देखेंगे।
देखना कांच से बचा के। हाँ हाँ अरे बॉस कहाँ है यार? हे शालू, शालू मुझे अकेला छोड़कर मत जाना शालू। हे शालू, मुझसे गलती हो गई शालू, मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोल शालू, मैं तुम्हें ऐसी फटीचर हालत में और नहीं देख सकती। मुझे अब जाना होगा। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मुझे छोड़कर मत जाना शालू। शालू अपना ख्याल रखना। शालू, 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 बॉस, बॉस, क्या हुआ? चालू मुझे छोड़कर चली गई। बॉस मायूस मत हो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, पर हमें तो अब जाना पड़ेगा। चलो चलो चालू। हाँ आपकी है, उठो उठो उठो, शाबाश, उठो उठो उठो, चलो पुलिस आ जाएगी, जल्दी चलो। चालू। ए, तुम लोग भी चलो ना, पिकनिक मनाने आए हो यहाँ पे। किडनैप किया था, कहाँ है वो? तेरे लिए ड्रिंक लाने गया है। मेरे लिए स्ट्रांग मंगाया है ना? अबे एक गधे, वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुका है, चल। इधर ही रोक ले बेटा। दीदी कुछ खा लीजिए, भूखे रहना ठीक नहीं है, खा लीजिए ना। खा लीजिए दीदी। चिन्मय। क्या माँ, मुझे लगा दुखी उखी हो गए, आप तो इडली खा रहे हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे जो खाना है खा बेटा, पता नहीं तू कब से भूखा होगा। ले ये सब तेरे लिए बनाया, ले ये भी ले, खा ले बेटा, सब तेरे लिए है। माँ चिकन कोरमा नहीं है? अब चिकन कोरमा अभी लेकर आती हूँ, तू बाकी सब खा तब तक। आपका भी खाना लगा दूं क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चीफ मिनिस्टर के घर के सामने धरना देने की? अरे दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। ये नहीं सुधरेगा, चलो खाना लगाओ, खाते हैं। सबके सब गधे। मंत्री सदानंद भोसले का बेटा जिसका चार दिन पहले अपहरण हुआ था वो घर पहुंच गया। मिनिस्टर ने पहले बयान दिया था कि वो किडनैपर्स की मांगों के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन किडनैपर्स अब भी आजाद घूम रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि फिरौती की रकम देने के बाद ही मंत्री के बेटे को छोड़ा गया है। वो फिरौती की रकम कितनी थी, वो काला धन था या सफेद, इन सब सवालों के जवाब। ज्यादा कुछ नहीं हुआ पापा, बस खरों चाहिए। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी कमाई हुई सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई बेटा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, आखिर तुम लोग अब तक कर क्या रहे हो, बताओगे कि नहीं? हम उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो उन्हें नहीं पकड़ोगे तो मैं लोगों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, उनसे वोट कैसे मांगूंगा? ये कोई पुराना गैंग नहीं है, नए लोग हैं, इन्हें तभी पकड़ा जा सकता है जब ये सरेंडर करें या फिर से किसी को किडनैप करने की कोशिश करें। तुम्हारे बस में तो कुछ भी नहीं है, उस इंस्पेक्टर को बुलाओ, क्या नाम है उसका, अभय सिंह, उसे इसी वक्त मुंबई बुलाओ, ये केस मैं उसे सौंपता हूँ, जल्दी करो। बुलाते होगे तुम्हारा भी ट्रांसफर कर दूं। जी, उसे मत बुलाइए। क्यों? वो सन की आदमी है, जहां जाता है वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिलहाल वो सस्पेंड है। तो क्या हुआ? जी, वो साइको है,
वो इंस्पेक्टर बना ही सिर्फ एनकाउंटर करने के लिए। एक साल हो गया उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। डिपार्टमेंट को बदनामी से बचाने के लिए हम उसे डिसमिस करने वाले हैं। हाँ, अगर वो सही आदमी है तो ये केस उसे ही सौंप दो, तुम समझे? चीचा जी, मेरी बात सुनिए। वो राणा बाहर आओ, कोई मिलने आया है। हेलो, हाँ साहब बिजी है, कहिए। बता दूंगा, ठीक है। सर, हेडक्वार्टर से फोन आया था, हम दोनों को मुंबई ट्रांसफर कर दिया है। आओ बैठो। केस फाइल तो देखी होगी तुमने। किडनैपर कोई शातिर अपराधी नजर नहीं आते, नए लोग हैं। मुझे लगता है उनका मकसद सिर्फ पैसा है। इस केस की शुरुआत तब हुई जब देखो अभय सिंह, मैं भी उसी लोग का पक्का और साफ साफ बात करूंगा। अगर तुम्हारे पास गन है तो किडनैपर्स के पास भी है, ये बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इनकाउंटर हुआ तो या मेरा बेटा मरेगा या फिर वो, और मैं इलेक्शन के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूं। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? अच्छा होगा अगर हम इस केस को एक हफ्ते के अंदर क्लोज करते हैं। रुको, एक हफ्ता क्यों? उन्हें सिर्फ 48 घंटे के अंदर पकड़ना है। ओके, ये बिना कुछ बोले उठकर चला गया। आपने उसे सिर्फ 48 घंटे दिए हैं, सीधा काम पे लग गया। हो गया, तुमने तो कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, इन्हें तो खरोंच भी नहीं आई है। अंदरूनी चोट आई हो। और कौन है? कोई नहीं। अरे तुमने वो मंत्री के बेटे वाले किडनैपिंग केस के बारे में सुना है? हाँ, क्या हुआ? वो केस अभय सिंह को दे दिया गया है। भाई वो तो यमराज है। भाई साहब जरा एक मिनट के लिए पेपर देंगे। इंस्पेक्टर अभय सिंह का तबादला, अब वो किडनैपर्स को पकड़ने वाली टीम को लीड करेंगे। अरे ये सिंह कौन है भाई? क्यों भाई, तुम झुमरी तलाई ऐसे आए हो जो अभय सिंह को नहीं जानते? नहीं जानते भाई। तो बस देखते जाओ, जिस गैंग ने मंत्री के बेटे की किडनैपिंग की थी ना, एक हफ्ते में उसके एनकाउंटर की खबर आ जाएगी। किसी कांस्टेबल को गोली छूती भी निकल जाएगी और दूसरी तरफ पूरा गैंग साफ हो जाएगा। बॉस, उस पॉकेट मार की बात कर रहे हैं जो अब पिक्चर बनाता है? हाँ, तुम्हारा दोस्त है ना? बड़ा भाई है। तकलीफ क्या है? बदन दर्द है, चक्कर आते हैं, सर भी दुखता है, नींद ही नहीं आती। अपना मुंह का डब्बी खोलो। आधा बंद करा। डॉक्टर से मिलके स्लिप दे देना, वो तुमसे एक भी रुपया नहीं लेगा। चलो जाओ। हाँ बोला।
क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब? वो दूसरी पार्टी एग्रीमेंट से पीछे हट रही है, आप बात करेंगे तो सब सेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी का कीमत क्या है? 1.5 करोड़। प्रॉपर्टी के मामले में हाथ डालने का बड़े लोगों का काम है। हाँ। अभी ऐसा चिंदी चोर एस्ट्रोलॉजर और एजेंटों को बीच में लाओगे तो यही हाल होगा ना। आइए आइए आइए, ये तोता आपका भविष्य बता देगा, सच कहता हूँ। तू तो तोते से लोगों को उल्लू बनाता है ना। हाँ सर। चल मैं तेरा तगड़ी तोड़ूंगा। रुक, किधर जाता है ये चिंदी चोर? अगर इधर आके रियल एस्टेट का गोली दिया ना तो नंगा करके मारूंगा, समझ जा। तू पहचाना नहीं मेरे को? अरे सर, नाम क्या है? बजरंगी। तुमको एक्टिंग आता है क्या? अरे स्कूल में नाटक बिटक में काम किया रहेगा ना? कभी नहीं। अगर मैं चानस दूं तो करोगे क्या? नहीं नहीं। 6 महीने से तेरे जैसे छोकरे की जरूरत थी मेरे को। किस काम के लिए सर? मैं जो फिल्म बना रहा हूं उसका हीरो तू है। फिल्म की स्टोरी ध्यान से सुनो। फिल्म का शुरुआत होता है लगन के सीन से, उसके बाद डाइवोर्स होता है। 3 महीने के अंदर फिल्म का नाम है हनीमून। नाम कैसा लगा? अच्छा अच्छा। ए छोटा भाव, तू इधर कैसा रे? पुलिस इंस्पेक्टर अभय सिंह का तबादला अलीबाग से मुंबई। ए तुम लोगों ने कौन सा पाप किया है जो ये तुम्हारे पीछे पड़ा है? चमाइल भाई। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। कंट्री मारो और एक जगह चुपचाप बैठ के रहो। ए कुछ भी आड़ा टेढ़ा हरकत करने का कोशिश किया ना तो तुम लोग यमराज से बच सकते हो, उससे नहीं। हमारे धंधे में बोल बचन करने वाले मरते है। डॉक्टर साहब बोल मेरे हीरो। मैंने अपनी फिल्म के लिए एक सीन सोचा है, सुनाऊं क्या? सीन छोड़ और बॉडी बना, मेरे को तेरा सिक्स पैक मांगता है। समझ गया सर। शंभू, ए शंभू, मालूम करके टिप देता हूं, लेकिन तब तक चुपचाप बैठ, समझा? ए मेरे को जलवा नाम के एक आदमी से बात करने का, वो मैटर सॉल्व कर देगा। वो पहले सुनेगा फिर गेम बजाएगा, समझ लास? हेलो, कौन बोल रहा है? ए डॉक्टर बोलता है। शंकर भाई क्या हाल है, कैसे हो आप? अरे पी के टल्ली हो गया। अरे अभी मस्का मत मार और मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो ना शंकर भाई। मुंबई में एक अभय सिंह नाम का इंस्पेक्टर आया, ओळखतो का? मतलब मुंबई के ऊपर शनि का प्रकोप आ गया है, उल्टे सीधे काम करने वालों को मुंबई छोड़ के चले जाना चाहिए। ए बेड़िया, ज्यादा बकर बकर करने का जरूरत नहीं है, तू खाली उसके ऊपर नजर रख। ये तो रिस्की काम है भाई, मेरे को क्या मिलेगा? 5 ठीक है, 8 चाहिए भाई। ए लालची मत बन रे, ये ले और चुप बैठ और बराबर काम कर। ठीक है भाई। वैसे भाई सुना है आप एक फिल्म बना रहे हो, रोल मिल जाए तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। हाँ सोचता हूँ मैं, एक हीरो के फ्रेंड का रोल है, तेरे को देगा मैं, ठीक है? ठीक है भाई। किसने तोड़ा रे तेरे को? उसने शुरुआत मुझसे कर दी और अब शहर के एक एक गुंडे को धो रहा है। मेरे को एक बात बोल, उसका सामने मुंह नहीं खोला ना भाई? मैं बर्दाश्त कर गया क्योंकि नशे में था, अगर होश में रहता तो सब कुछ बता देता। ये जानपति नहीं करना, उसको बोला नहीं ना? जब तक हमारे लिंक के बारे में उसे पता नहीं चलता कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन अगर उसे पता चल गया। सर, मत मारिए सर, मत मारिए सर, सर बहुत दर्द होता है सर, मैं आपको बताता हूँ सर। सर मैं गांजा बेचने वाले एक आदमी को जानता हूँ सर, जिनका उन लोगों से कनेक्शन है जिन्होंने मंत्री के बेटे को किडनैप किया था। इतना ही जानता हूँ मैं सर, सर इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम सर। सर वो लोग कहाँ मिलेंगे? क्या चाहिए तुम्हें? हमने पहले ही पुलिस का हफ्ता पहुंचा दिया है सर। भाई ये तो अभय सिंह है। सर आप चाहें तो हमें अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन मंत्री के बेटे के किडनैपिंग केस में एक और गैंग का नाम सामने उभर कर आया है, जिनको असली गैंग के बारे में पूरी जानकारी थी। उस गैंग के पांचों मेंबर एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस को कई नए सुराग भी मिले हैं और उनका दावा है कि अगले 48 घंटे में वो सभी किडनैपर्स को पकड़ लेगी। इस मामले में किसी भी तरह का सुराग देने वाले को अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, जिससे वो भविष्य में सुरक्षित रहे। बॉस हम लोग बिहार भाग चलते हैं, मामला ठंडा होने के बाद वापस आएंगे। भाई बिहार की भी पुलिस गोली मारती है। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है, वरना वो सुराग देने वाले को इनाम का लालच क्यों देती? अब डॉक्टर को क्या हो गया? हेलो ये शंभू, किधर आ रहे तुम लोग? अपने रूम में। रूम पे? अरे पटकन निकलो वहां से। क्यों? पुलिस को मालूम पड़ गया तुम लोग किधर है, अभी निकलो उधर से। ऐसा नहीं हो सकता। डायलॉग बाजी मत कर और निकलो उधर से। क्या हुआ? पुलिस भागो भागो जल्दी चलो चलो भाई। एक मिनट जल्दी करो भाई, सेंटीमेंट के लिए टाइम नहीं है। चलो, चलो। उन्हें पता कैसे चला? ये सड़वा यादव कौन है? पैसा साठी सब बोल दिया पुलिस को। सर प्लीज मेरा काम कर दीजिए सर, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान मंद रहूंगा। उसका नाम सुनकर ही समझ गया था कि वो एक नंबर का फ्रॉड है। अगर देखा जाए तो वैसे इस केस से हमारा बिल्कुल वास्ता नहीं है। पुलिस को चिन्मय भोसले को पकड़ना चाहिए। और क्या, उसी ने सारी प्लानिंग की थी, पैसे भी उसी के पास है, हमारी जगह उसे जान बचा के भागना चाहिए। अगर मैं रहता ना तो उसको फिर से किडनैप कर लेता था। क्या कहा, क्या कहा? ए बाल का खाल मत। नहीं नहीं, बिल्कुल पते की बात की, उसे फिर से किडनैप करेंगे। ए माजा एक, जिंदा रहने का है तो सिलेंडर कर, बाद में मैं अटर ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं सेटिंग लगाएगा। नहीं नहीं, एक बार कोशिश करूंगा, अगर ये प्लान कामयाब रहा तो ठीक है, वरना आत्मसमर्पण। बॉस अरे आप ये क्या कह रहे हो? चुप रहे, सिर्फ एक बाइक और कार की जरूरत पड़ेगी। सुन रहे, इसमें बहुत लफड़ा है भाई, आपको तो मालूम है बचपन से लफड़ा करते आए हैं, बस एक बार और मदद कर दो। ये काम आएगा। एक चाय देना। सर उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ एक सपने जैसा ही था। आधे टाइम तो मैं बेहोश ही था, सर पे कोई जोर से डंडा मारता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। खाना तक पूछने वाला कोई नहीं था। एक अंधेरे से कमरे में रूम, उसमें बंद करके रखा था मुझे। जब भी मुझे कमरे के बाहर लेके जाते थे तो सर पे कपड़ा डाल के ले जाते थे। मुझे लगता है वो जगह शहर में ही कहीं है, पर थोड़ा डाउट हो रहा है सर, गाय वाय की आवाज भी आ रही थी। क्या हुआ बेटा, कैसी आवाज थी? बिल्ली थी। बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या? जिस गैंग ने तुम्हें किडनैप किया था उन्होंने कन्फेस कर लिया है, अब तुम भी सच बता दो। सच में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है सर। बच्चे कार्ड देने का मतलब जानते हो? इस कार्ड पर सर का नाम और नंबर है,
शाम 6 बजे से पहले इस नंबर पर कॉल करके सब सच बता दो। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ए, इसकी तरफ मत देखो और अपने चेहरे का ज्योग्राफिया बदल। माचिस तो वहीं भूल गया सर। हमारी तरफ ही देख रहा है, अब हमारा खेल खत्म। चुपचाप बैठना, डरपोक कहीं के। सर यहां कुछ नहीं कर सकते, ये रेसिडेंशियल इलाका है। ए, बाहर निकल, बाहर निकलो, सुना नहीं, बाहर निकल, चल। अरे साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब कुछ नहीं किया। गाड़ी भगाने का शौक है ना, चल चल। अली सेफ्टी के लिए। सामने मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा है। सॉरी। चल रहा हूं।
जिंदगी झंड हो गई है, एक बियर तो पिला दो। एक मिनट रुको, बोतल लेके ही निकलते हैं। तू कितनी बार फोन करेगा बे? हाँ देख लिया मैंने, काली गाड़ी ना। हाँ हाँ आता हूँ, रख। भाग 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 भाग। क्या है सर, क्राइम पेट्रोल का सेट क्यों लगा रखा है इधर? पुलिस से क्या कहा तूने? एक सच्ची बात बताऊं क्या, मेरे पैसे लेके भागने के बाद अगर तुम मेरे बाप को जाके सब बता देते ना, तो वो तुम्हें बाहर निकाल के मुझे अंदर करवा देता। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऊपर से मुझे दूसरी बार किडनैप करके ले आए। अब तो तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचा सकता, ऊपर से वो पागल इंस्पेक्टर ब्रह्मा भी पीछे पड़ा हुआ है, उससे कैसे बचोगे? तेरी स्टोरी खत्म हो गई, अब ये बता कि पुलिस को क्या बताया तूने? मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। मतलब तूने इंस्पेक्टर अभय सिंह को कुछ नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। और पैसे कहाँ पे? मेरे पास ही है, मैं तो कल भी सोच रहा था अगर तुम इंस्पेक्टर ब्रह्मा से बच गए तो तुम लोगों को आधा आधा दे दूंगा। ठीक है, एक वादा कर तो आपुन तेरे को जाने देगा। कैसा वादा? तो पुलिस से आपुन के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। मैं अपने बाप की कसम खा के कहता हूं कुछ नहीं बोलूंगा। चल अब जा सकते हैं। घर चला जाऊं? क्या ऐसे जाने दोगे? हाँ बोला ना। मुंह पे कपड़ा नहीं डाल रहे, मुझे जगह का पता लग गया तो? कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हो, जरा बच के। मैं अपने बाप की कसम खा के कहता हूं कुछ नहीं बोलूंगा। ये क्या एसिड ले और फटाफट इसका 5 कॉपी बना। याचात ली एक, पुलिस के लिए, मिनिस्टर को एक और पत्रकार को एक। उसके बाद मैं देखता हूँ पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर कैसा करता है। मुझे एक जगह मालूम है, वहां से बहुत सी कॉपियां बनवा लेंगे। तो इधर खड़ा खड़ा क्या उखड़ रहे, जा जल्दी लाओ कर। अपने डायरेक्टर की फिल्म के लिए मेरे दिमाग में एक सीन आया है, संतरे वाला सीन। संतरे का सीन? खाना की लगाना है? ये मैं डायरेक्टर को बताऊंगा। बेटा अभय सिंह से बचो नहीं तो आप उनका जूस निकाल देगा। अरे बॉस उसको जितना चाहे जूस निकालने दो, और उसके हाथ में सिर्फ छिलका ही आने वाला है, क्योंकि फल तो अपनी जेब में है। अरे सोचने का टाइम है, चल जल्दी ऑटो में बैठ। सर, किडनैपर्स ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है सर। सर 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 मैंने आपको बता दिया है ना सर, आप तो मुझे छोड़ दीजिए ना सर। सर सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। सर 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 मंत्री सदानंद भोसले के बेटे के अपहरण के मामले में आज एक नया मोड़ आ गया, जब चारों किडनैपर्स ने पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन लोगों के खिलाफ पहले से एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। चले चल चल बैठ। हम्म
मेरे सामने मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा है। मामला क्या है सर, कुछ बताना चाहेंगे आप? हुआ क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ सर? एक्सक्यूज मी सर, आपको नाम पता है? इसकी वजह क्या थी? अब बताएंगे? कैमरे ऊपर लेना क्या कर रहे हैं? अपन प्रेस से एक बात कहना चाहता है। सर आप इनके साथ ऐसी बदसलूकी नहीं कर सकते। क्या कर रहा है तू यार जल्दी? यहाँ तक आते हुए आपने भागने की कोशिश नहीं की और ना ही यहाँ से जाने के लिए करेंगे। अगर अभी भी हमारा एनकाउंटर किया जाता है तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होगा और उसका जिम्मेदार ये इंस्पेक्टर अभय सिंह होगा। बस इतना ही बोलने का है। सर बताइए सर, कैंचो बताला वहाँ अच्छा वीडियो सर, तब तीन सर, अरे सब पूछा चलो। केस नंबर 845 शंभू एंड कंपनी। चिन्मय भोसले अपनी चप्पल उतार दो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप अपना नाम बताइए। चिन्मय भोसले है सर। पिता का नाम? सदानंद भोसले। आपको 25 अक्टूबर को किडनैप कर लिया गया था। सिर्फ मुंडी मत हिलाइए, मुंह से बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। कितने लोग शामिल थे? 4 लोग थे। जिन लोगों ने आपको किडनैप किया था उनका नाम शंभू, पहलवान, बजरंगी और निखिल है, क्या यही है वो लोग? नहीं सर, ये लोग तो नहीं है। हैं? ये वो लोग नहीं है। देखिए आप किसी से डरिए मत और इनकी शक्ल अच्छी तरह से देखने के बाद जवाब दीजिए। ये वही लोग हैं? नहीं सर। लेकिन ये लोग खुद आकर सरेंडर हुए हैं? नहीं सर, इन लोगों को तो कभी देखा ही नहीं मैंने। नहीं देखा? मुझे लगता है योर ऑनर ये केस थोड़ा। तुम ये भी हार गए। पनौती वकील हो तुम। चलो यहां साइन करो। क्या लिखा? चले चल तू कर। हाँ बोलो, बताता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है सर, वो चारों पुलिस वैन में हैं और जेल की तरफ जा रहे हैं। भाई लोग, जब हमें रिलीज कर दिया तो पेपर्स पर साइन क्यों करवाया? कोई लफड़ा तो नहीं है ना? हाँ हम रिलीज हो चुके हैं, इसी के लिए साइन किया था, इसीलिए रिपोर्टर से कहा था जिससे हमारा एनकाउंटर ना हो। और अब सजा लगती तो वो हमारा एनकाउंटर नहीं कर पाता। अब आप उन लोग फ्री है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब वो आएगा तो आप नाराज मत होना, प्यार से बात करना। चल पापा। अरे ये क्या कर रहे हैं? सुनिए ना। क्यों बैठ, तू अपने कमरे में जा। तू चल चल चल, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ को ना। शांति रखिए। तुझे पैसे कहां से मिले? बता कहां से मिले, बता कहां से मिले पैसे? कहां भाग रहा है? अबे कहां भाग रहा है? चोर कहीं के नालायक, कहां भाग रहा है तू? कबीले कुत्ते, इसने तेरे जन्म दिया था तुझे। जा यहां से, जा यहां से। अबे बैठ तू। कमीने, इसे छोड़ दे। तू इसकी जान लेकर रहेगा? भगवान ने तुझे दिमाग नहीं दिया? क्या कहा तुमने? है क्या कहा तुमने? बोल क्या रही है तू? हाँ अरे ए, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मैं तुझे पैसों के चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। दरवाजा खोलता है कि नहीं? देख तू, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। मैं इलेक्शन हार जाऊंगा लेकिन तुझे जेल भिजवा के रहूंगा। ए दरवाजा खोल। अरे बेटा तू आत्महत्या तो नहीं कर रहा ना? लेके आओ। ए सुन, कोई औजार ऊपर लेके आओ, जल्दी करो जल्दी करो। ए दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल।
भाई तुझे जेल भिजवा के रखूंगा, दरवाजा खोल, चल जल्दी कर दरवाजा खोल। ए, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए, बेटा अपनी कलाई मत काट देना। चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर तू। अपना मुंह खोला तो तेरा मुंह तोड़ूंगा। खोल दरवाजा, घबराना मत। तोड़ दरवाजा, खोल, तोड़ दे, तोड़ दे दरवाजे को, तोड़ दे, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे क्या कर रहा है, जल्दी कर। अरे क्या कर रहा है, अरे तोड़, जल्दी कर। अरे मैं छोड़, छोड़ छोड़, मैं तो मैं तोड़ता पीछे। चल भागने की कोशिश कर रहा है, एसी से भागेगा। अरे इस दिन के को जन्म दिया था, पार्टी का पैसा लेके भाग रहा है तू। पापा नहीं, पापा ये भागने ना पाए, ध्यान रखना, समझ गया? ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर, पार्टी ऑफिशियल, जल्दी कर, जल्दी कर। चल 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 चल। नमस्ते, वो खाना खा रहे हैं, आप बैठिए। सुना है आजकल आप भीख मांगते हैं? मेरा मतलब वोट मांगना भी तो भीख मांगना ही होता है ना। अरे सर रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं? छोड़ छोड़, आप ऐसे नहीं जा सकते। सॉरी सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी सर। मैंने रोका था पर देखिए बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए मैं जबरदस्ती अंदर चला आया। देखो सुनामी भी क्यों ना आ जाए, ऐसे अंदर मत आया करो। ओके सर। अब बताओ। देखिए मैं अपनी ईमानदारी का सबूत आपके सामने लेकर आया हूँ, पार्टी फंड के सारे पैसे सही सलामत वापस लाया हूँ, ये देखिए। क्या है ये? जो दो करोड़ रुपए। सुनो सुनो, तुम बैठ जाओ। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है ना? सर बहुत से लोग चार पांच औलाद होने की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, एक ही जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अगर ऐसा एक भी आदमी शहर में हुआ ना तो पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? सर ने मुझे आपको कहीं भी जाने देने से मना किया। रास्ते से हटते हो या नहीं? मैडम अगर आप मुझे जान से भी मार देंगे ना तब भी मैं तो जान ही लेनी पड़ेगी। रुको मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने दे ले सकता। नहीं 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 बच्चों की पढ़ाई के लिए रख ले। आप ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तूने जाने नहीं दिया, मैंने मारा और भाग गया, ठीक है ना भैया? ये घुमा फिरे के नहीं, साफ साफ बोल। हाँ होंडा का भी पानी तो यही हो गया।
मत मारो ना हो। कहाँ पे हो? कौन है? छोड़ दो। अरे मैं बाहर पड़ता हूँ। हे, अगर असली मर्द है, मत मारो। तो चल लाइट ऑन करके दिखा। परेशान है। अरे कोई है? हमारे बेचारे बॉस को क्या मारता है? दमे तो मेरे को मारना। अरे हमें निकालो ना यहाँ से। लगता है इसकी बीवी इसको अंधेरे में ऐसे ही मारती है। यही चुर रेलवे फाटक है। चल चल आगे ले, आगे ले, अभी राइट ले, राइट राइट। सर हेडक्वार्टर से कंटिन्यूअस फोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं। फिर से हमारा ट्रांसफर हो गया है। ए, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, चलो चुपचाप। सर टाइम निकल रहा है। ए, जल्दी चला। ए, चंबो क्या हो रहे? चलो उठ 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 उठ। तेरा हालत देख। वो मेरे को मिला ना, खलास करेगा उसको। अब उसकी जरूरत नहीं है। क्या बोलता है तू? अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ। तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला? पुलिस डिपार्टमेंट में खबरी है। चल फिर अरे। तुम लोग घबरो ना का, मैंने सब इंतजाम किया है। तुम लोग बिहार में जाएगा एक महीने के लिए। अभी तक किसी से बात नहीं करने का यारे। ए, सबको अटका तो नहीं रहा ना? तेरी तो शंभू से अकेले में बात करनी है। हमने तय किया था 50-50 करेंगे। एक बैग मेरा है, एक तुम्हारा है। ए, लालच देखे आप उनको फंसा रहा है। दूसरी बार किडनैप करके बिना कुछ किए छोड़ दिया, ये धोखा नहीं दे रहा मैं, ये आपके ही है। जाने अनजाने में हमारी एक टीम बन गई थी। पुलिस ने जब मुझसे पूछताछ की तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैंने अपना वादा निभाया है। मैं बस अब अपने बाप से दूर जाना चाहता हूँ। पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही है। डरने का नहीं, तो आतंकवादी नहीं है। नहीं भाई, आप मेरे बाप को नहीं जानते। कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करेंगे? कुछ दिन सबसे कट के रहूंगा, जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे तो वापस आके आपकी टीम ज्वाइन कर लूंगा। अब मैं भी तो क्रिमिनल हूँ। चलो रे, बातें करोगे, बाहर आओ ना जल्दी। चिन्मय भोसले। हाँ। हम्म,
ये सब क्या चल रहा है इधर? क्या मालूम। वो यार तुमको इधर से लेके जाओ, उससे पहले बोलो साइको अभय सिंह से कैसे बचे। अरे डॉक्का खराब हो रहा है मेरा। सर सर, डिपार्टमेंट की गन है। सर ये पुरानी जंग लगी रिवॉल्वर है। पहले ही बोला था ये गन पुरानी है सर। अरे सर को संभालो, इन्हें गोली लगी है। ए, सर को गोली लगी है, जल्दी आओ। संभल कर। चलो सुन, जल्दी करो सर, घबराइए नहीं सर। सच्ची बोल रहा है। बैठो। इस इलेक्शन में अपने बाप की जगह तुम चुनाव लड़ोगे। तुम्हारे बाप की वजह से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह से पार्टी कब तक अपने अकाउंट खाली करती रहेगी? देखो अगली बार भी हमारी सरकार आएगी, मैं चाहता हूं उन 5 सालों में तुम पार्टी को 300 करोड़ कमा कर दो। इससे ऊपर हुए तो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम मुझे बताओगे तो 300 करोड़ कमा सकते हो। कितना कॉन्फिडेंस है इसमें, एक मंत्री को ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सर, अगर आपका ये फैसला है तो मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। हाँ तुम्हें अब कौन सी पार्टी लेगी, अपनी बीवी के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। ले जाए इसे, तुम्हारी जगह बेटे ने ले ली है, अब घर जाकर आराम करो। सर आप चलिए, देखिए मेरे साथ ऐसा बात नहीं है सर, ये पॉलिटिक्स मेरी बात सुनिए, बिल्कुल लायक नहीं है, इसे पॉलिटिशियन मत बनाइए, ये लोगों को बर्बाद कर देगा सर। ऐसा मत कीजिए, ये बुरा आदमी है सर, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देखिए तुमने अपने बाप की आंख में धूल झोंक कर जितने फ्रॉड किए ना, पॉलिटिक्स बिल्कुल वैसी है, इसमें बाप की जगह पब्लिक को धोखा देना है, समझ गया ना? कल हम तुम्हारा नॉमिनेशन कर देंगे, उसके साथ ही तुम्हारी कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है? अगर आप सत्ता में आते हैं तो लोगों के लिए क्या करेंगे? अपना काम करूंगा। चंद्रशेखर राजपूत MA, राजपूत के खानदान का एक और MLA। चिन्मय भोसले शपथ लेता हूँ कि भारतीय संविधान के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास रखूंगा और देश की एकता अखंडता पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दूंगा और एक मंत्री होने की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ये शपथ लेते वक्त मेरे दिल में किसी भी तरह का डर मौजूद नहीं है। सबके जीवन में खुशियां भरने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की मैं शपथ लेता हूँ। दिल कितने में होगी? 5 करोड़ में। 5 हम मंत्री जी से मिल सकते हैं? मंत्री जी तभी मिलते हैं जब 50 करोड़ से ऊपर की डीलिंग होती है। लेकिन आपको मंत्री जी से मिलने की जरूरत क्या है? आपका पैसा बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन आप उनसे इस तरह से नहीं मिल सकते।
ऐसा तो हमें आजकल करना ही पड़ता है, सभी लोगों की सुरक्षा जो जरूरी है। आजकल लोग कहीं भी कोई कैमरा छुपाकर अपने साथ ले आते हैं, इसी वजह से हम अंदर आने से पहले सबके कपड़े उतरवा लेते हैं। गिनती पूरी हो गई भाई? नहीं नहीं अभी नहीं, मशीन नोट गिन के गर्म हो गई है, आराम करने दो। ए, तेरा थोबड़े पर रोमांस क्यों नहीं आ रहे? तू उधर देख, मेकअप अभी हंस रहे, अभी नहीं किया ना हाँ, तो लात मार के भगाऊंगा। अगर इन 5 रूल्स को फॉलो किया तो किडनैपिंग से अच्छा कोई धंधा नहीं। रूल नंबर 1, पावरफुल लोगों से दूर रहो, किसी भी ताकतवर आदमी को चांद से मारने की धमकी मत देना, फिरौती की रकम इतनी मांगो कि वो कोई हथियार नहीं, कोई मारपीट नहीं, अगर खतरा देखो तो सरेंडर कर दो, आसानी से दे सके तो कोई हथियार नहीं, कोई मारपीट नहीं, अगर खतरा देखो तो सरेंडर कर दो। सर सर वो लड़की चलेगी क्या? सनसनीखेज खबर, गृह मंत्री राकेश पाटिल की बेटी शालिनी को सुबह 9 बजे शॉपिंग मॉल के बाहर से किडनैप कर लिया गया है।